ये वीडियो सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के उछा शरीफ की है। जैसा कि आप जानते हैं 28 मुहर्रम अल हराम के सज्जाद नशीन फ़खरुल मशायख सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ का विसाल हो गया था और 2023 में ही सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास में औलिया मस्जिद के ठीक बगल में ही उनकी कब्र अनवर तैयार की गई थी। और इस बार 2024 में भी सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के ही बारगाह में उनका उर्स मनाया जाएगा। जैसा कि आपने टाइटल में देखा वो सही है, उर्स हो चुका है, लेकिन यहाँ नहीं, ये पाकिस्तान की वीडियो है। अभी आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये अशरफी रंग के कलर का जो रुमाल पहने हुए हैं, ये पाकिस्तान के डॉक्टर वकील अहमद दाताई अशरफी हैं। इनका सिलसिला दाताई भी है और अशरफी है, अशरफी भी है। ये फ़खरुल मशायख सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ से बैत हुए थे और उन्होंने इन्हें खिलाफत दी थी। तो पाकिस्तान में 18 फरवरी को, अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से 18 फरवरी को इन्होंने फ़खरुल मशायख सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ का उर्स मनाया था, जैसा कि हम आपको वीडियो में आगे दे पाएंगे। ये प्रोग्राम जो भी चल रहा है आप देख पाएंगे, आगे की कुछ बाइटें हैं तो वो भी हम आपको दिखा सकेंगे। इनके जो है कुछ इंटरव्यू भी लिया गया और उनके जो कुछ थे हल्के फुल्के प्रोग्राम को भी शूट करके दिखाया गया है। और ये जो अभी चल रहा है आप देख पा रहे हैं वीडियो, ये पाकिस्तान की वीडियो और वहीं का प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो बैठे हुए हैं डॉक्टर वकील अहमद दाताई अशरफी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया था, और आगे की भी हम आपको जानकारी दे पाएंगे। आगे की आप बाइट सुने। और ये वर्द चल रहा है इसके बाद, जैसा कि फ़खरुल मशायख भी किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, कहीं भी खानकाहें थी तो वहाँ भी वर्द का वो अहतमाम करते थे। इस तरह से उनके जो भी खलीफा हैं वो भी वर्द करते हैं और जो भी जिक्र अजकार है बताया गया था वो करते रहते हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वर्द की वीडियो है और आगे हम आपको बाइट सुना सकेंगे। आगे की आप वीडियो देख गादिमुल फुकरा वकील अहमद दताई अशरफी की जानिब से हुजूर फखरुल मशायख पीरे तरीकत अल्लामा मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी इंडिया वाले का पहला उर्स कराची के गुलशन निसा क्लब में मुनाकिद हुआ। उर्स में जहां मारूफ सना खाहों ने सरवर कौनैन की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश किए, वहीं औलिया कामिलीन से मोहब्बत अकीदत और एहतराम पर भी रोशनी डाली। सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद शफी चिश्ती और सज्जादा नशीन सैयद नासिर हुसैन निजामी का कहना था कि औलिया सालिहीन से अकीदत हमारे खून में शामिल है। उसमें कामी भी अता फरमाए और जो दुआएं कही उसको अपने बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। और परवरदिगार इसी तरह हमें अपने पीर मुर्शिद का उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाते हैं, वो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत अता फरमाते मनाया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आइंदा भी ये उर्स होते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने उर्स अरास इस वकील भाई के तवस्सुत से इस कराची में हो रहे हैं और ये सरपरस्ती भी फरमाते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। कादिमुल फुकरा वकील अहमद दाताई अशरफी व दीगर का कहना था कि हुकूमत खानकानी निज़ाम को फरोग देने में अपना तआवुन करे। फखरुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हूँ बाकायदा और साहिब इजाज़त हूँ पाकिस्तान में। आपका ताल्लुक इंडिया से है, आपका चौचा शरीफ में हज़रत मीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन थे। अपने आखिरी वक्त तक पिछले साल अब मार्च में आपका विसाल हुआ और वहीं उसी खानका के अंदर आपका मज़ार शरीफ कायम है। डॉक्टर वकील अहमद दाताई उनके यहाँ पाकिस्तान में खलीफा हैं, उन्होंने आज उनका पहला उर्स यहाँ मुनक़िद किया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये बुज़ुर्गों का फैज़ जो है ये जारी और सारी रहे, हम पर भी, हमारे वतन पर भी, हमारे पूरी उम्मत पर। जिस तरह आज ये उर्स मनाया गया है, पहला उर्स है, मुझे यकीन है इस बात पे कि इंशाल्लाह हमारा पैगाम पूरे दुनिया में बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाएगा हम सबको। और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हज़रत
का जो उर्स मनाया जा रहा है, इनके तुफैल से अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखेगा और सियासत से पाक होके यहाँ के निज़ाम को बेहतर करेगा ताकि लोगों को बेरोजगारी खत्म हो। उर्स के मौके पर सदर आमिर चिश्ती, हल्का दताई अशरफी के नायब अमीर मुइन अहमद अशरफी भी मौजूद रहे। उर्स में मुरीदीन की बड़ी तादाद शरीक रही, जबकि इख्तिताम पर लंगर का भी एहतमाम रहा। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।